अस्सलाम वालेकुम। आज हम जीरो ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये डिस्कस करेंगे, अगर हमने अपनी कंपनी का लोगो सेट करना हो या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक इंफॉर्मेशन कोई चेंजेस करनी हो या इसमें और मज़ीद फॉर्म में एंटर करना हो, बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी हो, तो वो कैसे करते हैं। देखिए, लेफ़्ट साइड पे टॉप पे देखिए कंपनी का नाम आ रहा है पार्क बुककीपिंग सर्विस। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे या ड्रॉप डाउन मेनू पे जो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास सेटिंग्स का, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें काफ़ी सेटिंग्स हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से। फिलहाल हम जनरल में ऑर्गेनाइजेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनाब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे पार्क बुककीपिंग सर्विसेज। यहाँ पे मैं सर्विसेज के नाम सही कर देता हूँ, जो भी आपके पास कंपनी का नाम है उसको रीचेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। आपकी कंपनी का अगर लीगल नेम कोई और है किसी और नाम से तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे अपलोड इमेज का, यहाँ पे कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे कंपनी का लोगो जो होना है वो 80x80 पिक्सल्स का होना चाहिए। कंप्यूटर में जिस भी फाइल हो आपकी लोगो की वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कंपनी का लोगो आ गया है। व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे हमने कंपनी क्रिएट करते वक्त अकाउंटिंग सर्विसेज सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे अकाउंटिंग सर्विसेज आ रहा है। उसके बाद जब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन टाइप हो, पार्टनरशिप में, सो पार्टनरशिप में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आ रहा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपकी कंपनी की डिस्क्रिप्शन मौजूद है छोटी सी तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पर ऑनलाइन बुककीपिंग सर्विसेज लिख देता हूँ। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस है, सिटी है, कंट्री है, फिजिकल एड्रेस, जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस होगा वो आप एंटर कर दीजिएगा यहाँ पे विद सिटी, रीजन और कंट्री के साथ। यानी कि इतना ऐसा जो है वो फिजिकल एड्रेस की इंफॉर्मेशन का है। देखिए अलग अलग उसको डिफाइन कर दिया गया है। यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर कर दीजिएगा विद कंट्री कोड नंबर और ईमेल, वेबसाइट, जो भी आप चेंजेस करेंगे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये जो ऊपर टैब बना हुआ डैशबोर्ड का, एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश भी कर दीजिएगा एहतियातन आप। ये जो नाम रीनेम किया था हमने, ये नाम देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है और आपकी कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे सेव हो गई है। ओके व्यूअर्स, बेस्ट ऑफ लक।